हेलो फ्रेंड्स, फिर से लेके आ गई हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें मैं बात करने जा रही हूँ कि आप भी जब अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो या फिर जब भी आप अपना रील्स यूज़ करते हो तो आपका भी जो डाटा है वो एंड हो जाता है। यानी या तो आप पोस्ट स्क्रॉल करते करते या रील्स चलाते चलाते आपके पूरा जो 1.5 GB डाटा रहता है या 1 GB डाटा रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका क्या ही सलूशन है? अरे भाई, हालत तो ख़राब हो जाती होगी 1.5 GB या 1 GB ख़त्म होने के बाद, क्योंकि इसके बाद तो कोई हमारे पास चारा ही नहीं बचा। करे तो करे क्या, अब कुछ चलो और चला भी नहीं सकते। तो चलिए, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया टिप लेके आई हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। तो उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एक लाइक करना मत भूलना, और बहुत सारा थैंक यू आपको कि मेरे इस यूट्यूब में 1K आपने कंप्लीट करा दिया है, और थैंक यू इंस्टाग्राम में भी 1200 फॉलोअर्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको चले जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स अपनी सेटिंग के पास में चले जाना, इंस्टाग्राम के सेटिंग में जाना। उसके बाद इंस्टाग्राम में सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट में, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ अकाउंट दिखाई दे रहा हो, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट में क्लिक करोगे, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना और वहाँ पे आपको सेलुलर डाटा यूज़ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई देगा? सेलुलर डाटा यूज़। तो आपको क्लिक कर लेना है उस सेलुलर डाटा यूज़ में, और वहीं पे पूरा कार्यक्रम होता है आपके फ़ोन का जो भी डाटा यूज़ हो रहा है इंस्टाग्राम के लिए। यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो यूज़ लेस डाटा, डाटा सेवर को आपको कर लेना है ऑन। जैसे आप डाटा सेवर ऑन कर लोगे, आपका जो भी एक्स्ट्रा डाटा यूज़ होता है वो अब कम होगा, ठीक है। तो आपको इसको ऑन कर लेना है, और उसके जस्ट नीचे यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा हाई रेजोल्यूशन मीडिया। तो आपको हाई रेजोल्यूशन मीडिया में जाना है, और उसके बाद यहाँ आपको नेवर कर देना है, ठीक है। यानी आपको कभी हाई रेजोल्यूशन में देखना ही नहीं। चाहे तो आप वाईफाई ओनली रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अपने दोस्तों का उड़ाओ आराम से डाटा, कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। यही सेटिंग करनी है आपको, और फिर आपका जो इंस्टाग्राम है वो डाटा कम यूज़ होगा उसमें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि और किस तरह की वीडियोस बनाऊं आपके लिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो शेयर भी ज़रूर करना अपने दोस्त के साथ। थैंक यू।